हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो पिछले लिस्ट में क्वेश्चन जो चल रहा था वो क्वेश्चन था 18 का 1 माइनस आइटा की पावर 1 माइनस आइटा का मैग्नीट्यूड की एक्स है बराबर 2 की पावर एक्स। इसमें आपको रूट्स फाइंड करने हैं कि इंटीजर रूट्स क्या होंगे इसके 1 माइनस आइटा की मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड अभी ध्यान रखना, इसके 1 माइनस आल्टा का मैग्नीट्यूड की पावर x है बराबर 2 की पावर x। तो देखिए मैग्नीट्यूड करेंगे, z बराबर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आल्टा y। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड करता हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जड़ का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को क्या लिखूंगा मैं, इस ये जड़ है, जड़ का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस मैग्नीट्यूड को क्या लिखूंगा, अंडर रूट एक का स्क्वायर एक और प्लस वन और इसकी पावर क्या है एक्स। इस मैग्नीट्यूड को लिख दिया मैंने रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और इसकी पावर एक्स बराबर 2 की पावर एक्स। अब इस रूट को देखिए, इस रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इस रूट को 1/2 लिख सकता हूं। यह आ जाएगा देखिए रूट 2, ये क्या हो गया रूट 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर x। अब इस रूट को मैं 1/2 लिखता हूं, 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स। भाई इस रूट को मैंने क्या लिख दिया 1/2 और ये इसकी पावर थी x बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर x, क्या आ जाएगा 2 की पावर x। तो यहां से ये क्या बन जाएगा एक्स वाई टू, यानी कि 2 की एक्स वाई टू बराबर क्या जाएगा 2 की पावर एक्स। इधर क्या है 2 की पावर एक्स, इधर 2 की पावर क्या है एक्स वाई टू। अब देखिए इन दोनों का बेस आपस में बराबर है, इक्वल है। अगर बेस बराबर हो तो पावर की क्या करते हैं दोनों तरफ कंपेयरिंग करते हैं। तो पावर की कंपेयरिंग करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा x by 2 बराबर क्या आ जाएगा x, x by 2 बराबर क्या आ जाएगा इधर से x। इसको आगे सॉल्व करें देखिए क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उधर, ये हो जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा x। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 2x बराबर क्या हो गया x, 2x माइनस x बराबर क्या हो गया 0, 2x में से एक x गया तो x बराबर 0। ये इंटीजर रूट्स की संख्याएं आ गई भाई। एक बार फिर देख लो इसको, 1 माइनस आइटा का मैग्नीट्यूड की पावर x है, तो 1 माइनस आइटा की मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस आइटा का स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस, 1 प्लस 1 रूट 1 प्लस 1 की पावर, ये इसकी एक्स है बराबर 2 की पावर एक्स। यहां पे आ जाएगा रूट 2 की पावर एक्स बराबर 2 की पावर एक्स। अब इस रूट 2 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, रूट 2 का मतलब क्या होता है 1/2 और ये इसके x साथ में x है बराबर 2 की पावर x। तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा x by 2 बराबर 2 की पावर x। यहां पर देखिए दोनों तरफ बेस समान है, बेस अगर बराबर है तो पावर की क्या कर लें कंपेयरिंग कर दी, तो यहां से आ जाएगा x by 2 यहां से आ जाएगा x, इसको क्रॉस गुणा कर दिया तो ये आ गया 2x बराबर x। इस x को इधर लाया 2x माइनस x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गई 0। ये रूट्स की
संख्याएं आ गई है। यानी कि जीरो के अलावा आपके पास में कोई भी इंटीजर रूट इसमें विद्यमान नहीं होगा। जीरो के अलावा कोई भी रूट्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ए प्लस आयटा बी सी प्लस आयटा डी ए प्लस आयटा एफ जी प्लस आयटा एच बराबर ए प्लस आयटा बी। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया है ए प्लस आयटा बी सी प्लस आयटा डी और ई प्लस आयटा एफ जी प्लस आयटा एच बराबर ए प्लस आयटा बी। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो सबके दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो, सबके क्या लगा दे, इसमें मैग्नीट्यूड लगा दे, इसमें मैग्नीट्यूड लगा दे, इसमें मैग्नीट्यूड लगा दे, इसमें मैग्नीट्यूड लगा दे और इसमें मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो, ये आ जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि जब इसके मैग्नीट्यूड होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो ये आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे करो ए प्लस आयटा बी और C प्लस आयटा डी ई प्लस आयटा एल जी प्लस आयटा एच का आप कॉन्जुगेट ले लो। क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। एक मेथड तो मैंने बताया कि सबके मैग्नीट्यूड लगा दो दोनों तरफ सीधा निकल जाएगा। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं आपको, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये जो इक्वेशन दी है फर्स्ट, इसका कॉन्जुगेट ले लो। क्या ले लें, कॉन्जुगेट लें, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा ई माइनस आयोटा एफ और इसका आ जाएगा जी माइनस आयोटा एच बराबर ए माइनस आयोटा बी और ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। मैंने इन सबका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, ए प्लस आयटा बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आयटा बी, सी प्लस आयटा डी का सी माइनस आयटा डी, ई प्लस आयटा एफ का ई प्लस आयटा सॉरी ई माइनस आयटा एफ, जी प्लस आयटा एच का जी माइनस आयटा एच, उसके बाद में ए प्लस आयटा बी का ले लिया ए माइनस आयटा बी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दिया मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी कर दो इसको
चलो ऐसे ले लो, सी प्लस आईटा डी, सी माइनस आईटा डी, और सी माइनस आईटा डी, ई प्लस आईटा एफ, ई माइनस आईटा एफ, z प्लस आयोटा x, z माइनस आयोटा x बराबर a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, यह आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यह बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इन दोनों का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे आइटा बी का होल स्क्वायर करेंगे, आइटा स्क्वायर का मान माइनस, तो उस माइनस इस माइनस से मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूवमेंट आ गया, क्या आ गया, ये आपका प्रूवमेंट आ गया। क्या किया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट का कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लेके इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्रूवमेंट आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे करते हैं, इनका दोनों तरफ क्या ले ले, मैग्नीट्यूड ले, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हटा दो तो ये आपका प्रूवमेंट आ जाएगा सीधा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा पावर एम बराबर वन, तो इसका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। क्या करना है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, यानी कि m की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है, यानी कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m का कम से कम धनात्मक मान। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आइटा आगे, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा, और इसकी पावर क्या है, एम बराबर वन। वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा की पावर एम बराबर वन है, तो वन प्लस आयोटा यानी कि नीचे वन माइनस आयोटा है तो उसके कॉन्जुगेट ले लिया मैंने वन प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा। अब ऊपर क्या बन जाएगा, देखिए वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, एम बराबर क्या आ गया, वन। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू आयोटा माइनस वन अपॉन, क्योंकि यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा, एक प्लस एक दो, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, एम बराबर वन। माइनस वन से ये कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा,
यह आ जाएगा आइटा की पावर एम बराबर वन, यहां से टू से टू कटेगा, आइटा की पावर एम बराबर क्या आ जाएगा वन। अब देखिए यहां से आइटा की पावर एम बराबर क्या आ गया वन। अब यहां से आपको एक लिस्ट वैल्यू निकालनी है एम की, यानी कि एम की पॉजिटिव इंटीजर निकालना है इसका। तो क्या करेंगे देखिए, मैं दिखता हूं, देखिए आइटा की पावर जीरो इसका मान एक होता है, आइटा की पावर एक, आइटा की पावर एक का मतलब ये आइटा होता है ना। मैं यहां पे करता हूं आइटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है माइनस वन। तो भाई किसी बच्चे ने पूछा था कि सर आपने आइटा की पावर यहां पे जीरो क्यों लग गया, फादर ध्यान देना बेटा कि आइटा की पावर मैंने चार ही क्यों ली इसमें, क्योंकि यहां पर देखिए आइटा की पावर जीरो किया तो मेरे पास में वन आ गया, आइटा की पावर वन किया तो आइटा आ गया, आइटा की स्क्वायर किया। अब देखिए यहां से देखो जीरो एक दो, यानी कि जीरो से बड़ा है दो, लेकिन जो ही मैंने आइटा की पावर दो किया तो इसका मतलब यहां पे वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है माइनस वन की। मेरे को प्राप्त क्या करनी है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त करना है। तो इसका मतलब ऊपर वाले दोनों तो इनकी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म होगी भाई, यानी कि जब मैं इसको आइटा स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ रही माइनस वन। जीरो को ये वन, ये जीरो ये वन, मैंने दो कर दिया, ये पॉजिटिव है, जीरो एक और दो किया, दो एक किया तो आइटा आ गया, जीरो किया तो वन आ गया, इसकी तो वैल्यू वन होती है, आइटा की वन किया तो क्या आ गया आइटा। जब मैं इसके आइटा की टू करूंगा, आइटा स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन। तो ऊपर वाला की इंपॉर्टेंस तो खत्म ही होगी भाई, क्योंकि मेरे को लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो ये आइटा की पावर जीरो इसको नहीं रख सकते, बात समझ में आई क्या, क्योंकि मैं आइटा स्क्वायर करते ही माइनस वन हो जाएगा, समझ में आ गया, यानी कि इस वन से तो छोटा आ गया ये, तो इस वन से तो माइनस क्या हो गया छोटा हो गया। तो हम इस आइटा स्क्वायर से ही आगे बढ़ेंगे, इसके पीछे वाले नहीं देखेंगे, बात समझ में आ रही है मेरी। अब भाई मेरी बात समझ में आएगी क्या, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं आइटा की पावर जीरो रखता हूं तो एक आ जाता है। यहां पर देखिए अगर मैं आइटा आइटा की पावर जीरो से आगे बढ़ता हूं, आइटा की पावर वन करता हूं, आइटा आता है, मेरे को ये वन चाहिए, मैं आइटा स्क्वायर करता हूं माइनस वन हो गया, बात समझ में आ गई। यानी जीरो से मैं आगे बढ़ता हूं तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है यहां पे माइनस वन, मेरे को चाहिए क्या प्लस की वन। तो इसलिए इन दोनों का इंपॉर्टेंस तो अपना आप ही खत्म हो गया, क्योंकि आइटा स्क्वायर किया मैंने जीरो एक दो, दो किए तो उसकी मान माइनस हो गया, तो इनके ऊपर वालों की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, बात समझ में आ गई। तो मैं आइटा क्यूब पे जाता हूं, देखिए आइटा क्यूब पे जाता हूं तो ये हो जाएगा आइटा क्यूब का मान क्या हो जाएगा माइनस आइटा। आइटा फोर की वैल्यू पर जाता हूं तो इसका मान वन हो गया। अब इस आइटा स्क्वायर से आगे जाना पड़ेगा हमको, बात समझ में आ गई। अब मैं आइटा फाइव पे जाता हूं, आइटा फाइव पे जाता हूं, आइटा फोर इंटू आइटा यानी कि पॉजिटिव का आइटा, आइटा सिक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आइटा आ जाएगा, आइटा की सिक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा आइटा की फोर इंटू आइटा स्क्वायर, इसका मतलब माइनस वन आ गया। लेकिन मेरे को लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी आइटा की पावर एट करता हूं तो वन आ गया। अब ये भी कहोगे कि सर यहां पर तो आइटा की फोर का मान आ रहा है तो यहां भी यही आ रहा है, लेकिन इससे पहले मेरे पास में पॉजिटिव आ चुका है, यानी कि आइटा की एट से लिस्ट लेना मेरे को, बात समझ में आ गई। आइटा की एट यानी कि आइटा की फोर, आइटा की एट, आइटा की ट्वेल्व सबका मान एक होता है, लेकिन मेरे को इनका लिस्ट लेना, लिस्ट लेना तो इसका मतलब आइटा की फोर ये होगा यहाँ पे, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आइटा की पावर जीरो क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैं आइटा स्क्वायर करते ही माइनस वन हो जाता है ये, तो ऊपर वाला का जो इंपॉर्टेंस खत्म होगा। आगे इससे बढ़ेंगे तो हम पहुंचते हैं आइटा की फोर पर, तो ये आ गया वन आ गया। अब आइटा की एट पे जाऊंगा तो ये भी वन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जो चीज आ गई है लिस्ट लेनी है, इससे पहले की लिस्ट वैल्यू निकालनी है, या आइटा की पावर एट है या आइटा की पावर फोर है, तो इससे लिस्ट लेनी है, तो इसका मतलब आइटा की फोर इसका रिजल्ट आएगा, बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम आइटा की पावर जीरो नहीं ले सकते इसमें। तो देखिए ये बात बता दी मैंने कि
आल्टा की पावर जीरो नहीं ले सकते हम इसकी, क्योंकि मैं आल्टा स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन मेरे को प्लस वन चाहिए। तो देखिए आल्टा की पावर एन ये वन, क्योंकि इसका इधर बेस क्या है आल्टा, इधर क्या है वन है, तो इसका भी बेस मैं आल्टा बना दू। तो देखिए आल्टा की पावर एन बराबर आल्टा की पावर चार लिख दू, ये आल्टा की पावर है। आल्टा की पावर चार का मान कितना होता है, एक होता है, यानी इधर बेस समान हो गया, इन दोनों का बेस समान हो गया, तो पावर की कंपेयरिंग कर देते हैं तो एम बराबर क्या आ जाएगा चार। तो ये इसका आंसर आएगा भाई, एम का मान जीरो नहीं ले सकते हम, क्योंकि मैं जब आल्टा स्क्वायर पे जाऊंगा तो वो माइनस वन हो जाएगा, तो ऊपर वाला की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देगा वो, तो आल्टा स्क्वायर से आगे जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो देखिए एम की वैल्यू कितनी आगे जाएगी हमारे पास में चार, ये इसका आंसर है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जो आज कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपके आगे का काम आने वाला टॉपिक है, और इसके बगैर मैथ अधूरी है, ध्यान रखना। इसके बगैर आपकी जो मैथ है वो अधूरी है, ध्यान रखनी। तो देखिए मैं आज टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम बचा है 5-10 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशियल के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल है भाई, डिफरेंशियल। देखिए हर जो भी टॉपिक है उसका कोई ना कोई एक सिंबल होता है, क्या होता है, कोई सिंबल होता है, इंटीग्रल होता है, उसका भी एक सिंबल है। हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा उसमें भी एक सिंबल था, उसमें आल्टा आ गया, तो यहाँ भी हमारे पास में डिफरेंशियल रह गए तो इसका भी एक सिंबल होगा। तो देखिए डी ओवर डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी, यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ नीचे एक वेरिएबल होता है, मान लीजिए मैं कर लेता हूं x और ये होता है y, dy over dx, यहाँ पे x और y जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं भाई, ये जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये x ऊपर भी जा सकता है, y नीचे भी आ सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है dx upon dy। तो ये x है, ये y है, ये y था, ये x है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कहीं भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इनका मतलब समझिए, d ओवर dx, ठीक है, ये y है मेरे पास, ये y का मतलब है, जिस ये y क्या है हमारे पास में एक फंक्शन होगा, क्या होगा एक फंक्शन होगा, वो किसी का एल्जेब्रिक भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, वो लॉगरिथम का भी हो सकता है। तो वही क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन हमें दे रखा है उसको हम मानेंगे, ये चीज जो फंक्शन हमें दिया है उसको हम मानेंगे, और जिसका हमें डिफरेंशियल करना है, यानी इस वाई फंक्शन का हमें जो डिफरेंशियल करना है वो किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, वो यहाँ पे नीचे आएगा। बात समझ में आएगी, एक बात पता की बता देता हूं, मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास में, मान लीजिए मेरे पास में log x है, और आपको डिफरेंशियल करना विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशियल करना है। तो देखिए जो ही हम डिफरेंशियल करेंगे और आपको ये कह दे कि इसका dy ओवर dx फाइंड कीजिए, dy ओवर dx फाइंड कीजिए, तो ये जो y है ये मतलब ये जो फंक्शन आपको गिवन है उसको आपको लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट y बराबर log x, ये आ गया मेरे पास में y बराबर log x। अब आपको क्या पता है कि ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये चीज आपको दे रखी है तो आपको पता लग जाएगा, अगला आपको सीधा यही कहेगा विद डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब इस x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना है।
अगर भाई देवे नहीं दे आपको, कह दे कि ओनली डिफरेंशियल करना, ओनली डिफरेंशियल करना, तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो मैं बताता हूं क्या करना है। इधर जो फंक्शन होगा, इधर जो फंक्शन होगा अगर x का है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, अगर t का फंक्शन है इधर तो t के रिस्पेक्ट में। ये ऐसे भी हो सकता है, अगर ये चीज आपको दे रखी है dy over dx, तब तो आपको पता लग जाएगा कि इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अगर वो ये कहते हैं कि इस log x का, इस log t का डिफरेंशियल कीजिए ऑनली, आपको बताइए कि किसके रिस्पेक्ट में आपको ये करना है। तो करना क्या है, इसको लेट करो, लेट करो y बराबर, कुछ भी मान सकते हो। अगर आपको ये चीज दे रखी है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तब तो आप निकाल सकते हो उसको। अगर नहीं दे रखा है तो आप y मान सकते हो, y बराबर log t, ऐसे लिख सकते हो। यानी कि इधर जो फंक्शन होगा, इस साइड में जो फंक्शन आपको दे रखा है गिवन है, वो t का है या x का है या थीटा का है। तो अगर यहाँ पे t है तो डिफरेंशियल जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू t होगा। क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dy ओवर dt होगा। अगर ये थीटा का है, log t की जगह आपको अगर थीटा दे दे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशियल होता है, ये याद रखो आप। तो देखिए आगे मैं बता रहा था आपको, dy ओवर dx यानी कि y और x, ये y क्या है जो फंक्शन दे रखा है उसका हमें डिफरेंशियल करना है किसके रिस्पेक्ट में, वो नीचे लिखा होता है। किसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे लिखा हो करना पड़ेगा आपको, d ओवर dx। अब देखिए मैं कुछ इनके यहां पे फॉर्मूले लिखता हूं, वो फॉर्मूले क्या है वो देखिए भाई। ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, रिमेंबर बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। तो देखिए d ओवर dx, अब मैं यहां पर जो भी फॉर्मूले लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं, d ओवर dx x की पावर n, d ओवर dx x की पावर n, इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा n, ये पहले आता है, n नीचे आ जाएगा x की पावर n माइनस वन, d ओवर dx x की पावर n, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। d ओवर dx e की पावर x, d ओवर dx e की पावर x, तो e की पावर x का जो डिफरेंशियल होगा वो हमेशा e की पावर x ही होगा। अब 11th 12th में जब जाओगे तो डिफरेंशियल वहां पर भी है, और एक चीज और चलने लग जाएगी इंटीग्रल, तो उसका इंटीग्रल भी यही होता है, यानी e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e की पावर x, और इसका इंटीग्रल भी यही होता है e की पावर x। तो ये ध्यान रखो कि d ओवर dx e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x डिफरेंशियल होता है। d ओवर dx e की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशियल करना है, तो ये जो माइनस है ऊपर ये नीचे आ जाता है, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इसका डिफरेंशियल होता है। e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर एक्स का क्या होता है, e की पावर एक्स। d ओवर dx log x, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन x होता है, d ओवर dx log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, d ओवर dx a की पावर x इसका डिफरेंशियल क्या होता है, a की पावर x इनटू log e बेस a, ये इसका बेस होता है भाई e, क्या होता है इसका बेस होता है e। d ओवर dx साइन x, साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, क्या होता है d ओवर dx साइन x का क्या होता है cos x, d ओवर dx cos x का क्या होगा, cos x का क्या होता है भाई माइनस,
साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, ध्यान रखना। डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आता है आपका डी ओवर डी एक्स sec x, और sec x का डिफरेंशियल होता है sec x into tan x, sec x into tan x, sec x का क्या हो जाएगा sec x into tan x। एक आता है cosec x का d over dx, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये तो थे आपके फॉर्मूले, दो फॉर्मूले और हैं, वो लिख देता हूं मैं कौन से हैं। अब जो फॉर्मूला आएगा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी, तो यू डी ओवर डी एक्स वी प्लस वी डी ओवर डी एक्स यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरी की पूरी जो आपकी डिफरेंशियल होगी वो इसी फॉर्मूले पे बेस होगी। दूसरा फॉर्मूला इसका आता है d over dx u upon v, तो यह आ जाएगा v d over dx u minus u d over dx v divided by v square। ये दो फॉर्मूले पे पूरी आपकी डिफरेंशियल चलेगी, ये दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी पे पूरी डिफरेंशियल चलती है भाई, ध्यान रखना। ये है d over dx u into v, तो देखिए u into v, पहले u आएगा d over dx क्या होगा v plus v, बाहर आएगा d over dx into u होगा, अगर u upon v दे रखा है, ये मल्टीप्लाई रूल है, डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई रूल है दो फंक्शन का, ये दो फंक्शन का डिवाइड रूल है u upon v। तो पहले नीचे से जो v है ये v पहले ऊपर जाएगा, v क्या है नीचे से ऊपर जाएगा v d over dx ऊपर वाला u माइनस, अब यू बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स का v होगा अपॉन इस v का स्क्वायर होगा। तो ये दो फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूले पे आपकी डिफरेंशियल चलेगी। मैंने यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे के सारे इसमें काम आएंगे। तो देखिए मैं पहले फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, x की पावर 8 का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करना है x की पावर 8 का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो देखिए मैं इस x की पावर 8 को मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट y बराबर क्या लिख दिया मैंने x की पावर 8, ठीक है, यानी कि मेरे को इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है x की पावर 8 का, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, कि जो डिफरेंशियल है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब भी मैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा तो डिफरेंशियल का सिंबल आएगा, क्या आएगा डिफरेंशियल का सिंबल, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो d ओवर dx, इधर भी क्या कर दूं d ओवर dx। अब देखिए फंक्शन क्या था हमारे पास में x की पावर 8 का हमें डिफरेंशियल करना है, तो इसको मैंने क्या माना y,
तो ये y इसके साथ में आ जाएगा y, और इधर क्या है x की पावर 1, ये बन जाएगा x की पावर 1। बात समझ में आई भाई? x की पावर 8 का आपको डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर 8 को मैंने मान लिया, लेट मान लिया इसको y बराबर x की पावर 8 मान लिया इसको, आप z भी मान सकते हो, आप z भी मान सकते हो। तो y बराबर क्या आ गया x की पावर 8। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये बात आप लिखते हो उसके तुरंत बाद आपके ध्यान में आना चाहिए कि इसका सिंबल आएगा, क्या आएगा इसका सिंबल। तो डिफरेंशियल का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, d ओवर d, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो x आएगा, किसका करना है वो y ऊपर आ जाएगा। तो d ओवर dx आगे इधर सिंबल हो गया इसका, ये y इधर आ गया d ओवर dx और x की पावर 8 इधर आ गया। अब देखिए मैंने फार्मूला बताया आपको d ओवर dx x की पावर n का, तो n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। तो देखिए यहां पर इसका n क्या है 8, तो n की जगह क्या आ जाएगा 8 x की पावर 8 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 8 x की पावर 7। तो dy ओवर dx बराबर मेरे पास में क्या आ गया भाई, यह आ गया dy ओवर dx बराबर 8 x की पावर 7। तो ये था x की पावर 8 का निकालना, ये तो था मेथड से। अब डायरेक्ट भी आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन के अंदर आएगी, तो आपको डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल आना चाहिए। करना क्या है, ऊपर वाली पावर को नीचे ले आओ, एक पावर कम करो। मैं ये कह दूं x की पावर 10 का डिफरेंशियल करो, x की पावर 10 का डिफरेंशियल करना है तो 10 तो नीचे आ जाएगा, एक पावर कम कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उसकी एक पावर कम कर दो x की पावर 10 का डिफरेंशियल हो गया। मैं कह दूं x की पावर 99 का डिफरेंशियल करो, x की पावर 99 का करेंगे तो 99 नीचे आ जाएगा और x की पावर 98 ऊपर आ जाएगा, यानी कि एक पावर कम हो जाएगी। जैसे x क्यूब का करना है, x क्यूब का करना है तो 3 पहले आ जाएगा और एक पावर कम कर दी, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें, कल से हम अच्छे से इनको क्वेश्चनों को निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।